हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपके एक बार मेरे चैनल के इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको कुछ इस तरह की हेयर फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ आपके फोटो में। जी हाँ गाइस, इसमें क्योंकि हम इसके हेयर्स डालने वाले हैं, बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं और प्लस में क्लोथ इसके कलर भी चेंज करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक फुल वॉच करना, तो आप भी जान जाओगे इस तरह की एडिटिंग करना में कितनी सिंपल ट्रिक्स है और कितनी आसानी के साथ आप इस एडिट्स को कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अपना बिना वक्त गवाए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि आप अब वीडियो देख रहे हो और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो वही जमीन फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने एक स्नैपसीड प्ले स्टोर पर आता है तो वो मैंने ओपन कर दिया है, जिसमें से हम एडिट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्नैपसीड ऐप कौन सा है तो ये आप कॉर्नर पर देख सकते हो, ये है स्नैपसीड, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर फ्री में। तो इसको ओपन करने के बाद बीच में से आपको एक प्लस की आइकन नजर आ रही होगी, उसमें आप क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, फिर आपको यहाँ से वो वाला फोटो सेलेक्ट कर देना है जिसको भी आप एडिट करना चाहते हो। तो वो वाला फोटो मैं फटाफट से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो गाइस अभी फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने ये वाला फोटो अपने एडिट्स करने के लिए सिलेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इस टाइम में हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट प्लस में सैचुरेशन बढ़ाने वाले हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन में क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है ट्यून इमेज का, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है और कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं तो इतनी आपको इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ानी है। ठीक है गाइस, सैचुरेशन की बात कर रहे हैं तो इतनी आपको सैचुरेशन भी बढ़ा देनी है और यहाँ से राइट में क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में हम करने वाले कि इसका जो टी शर्ट का कलर है वो चेंज करने वाले, तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल का आइकन कर्व्स और यहाँ से आपको मतलब कि कैनल का यहाँ से ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक कर यहाँ से रेड वाला सबसे पहले सेलेक्ट कर उसको आपको इस तरह से नीचे कर देना है फुल्ली डिक्रीज। तो फिर से आपको कलर्स में सेलेक्ट करना है और ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है। तो मैं मतलब कि इस तरह से भी आप कर सकते हो। और एक ट्रिक है मेरे पास, तो उसको डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या कर रहे हैं। उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है, देन गाइस फुल्ली आप नीचे आ जाओगे। यहाँ से डबल एक्सपोजर का एक ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से गैलरी में सेलेक्ट कर आपको रेड कलर का आइकन मतलब कि फोटो PNG डाउनलोड कर मतलब कि डाउनलोड करो तो तभी ठीक है। अगर आप मतलब कि चैनल पे हो तो उसको आपको सेट कर देना है। तो यहाँ से आपको इस तरह से रेड PNG सेट कर देना है। अभी मैं सेट कर लेता हूँ इसको जल्दी से। तो इसको करने के बाद गाइस यहाँ से बीच की मतलब कि जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से ओवरले में क्लिक कर देना है। ओवरले में क्लिक करने के बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट में क्लिक करोगे तो अभी आप शर्ट देख रहे हो, तो यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूंगा आगे आपको क्या करना है। इतना करने के बाद गाइस ऊपर आपको क्रॉस तीर का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर, फिर यहाँ से ब्रश आपको बीच में से उठा लेनी है। ब्रश उठाने के बाद यहाँ से साइज का आपको ध्यान रखना है कि साइज आपको 100 होनी चाहिए। फिर आपको इस तरह से फोटो जूम इन करोगे तो इस तरह से मतलब कि आप अपनी शर्ट पर कलर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। तो इतना करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप कर सकते हो। जहाँ मैंने पहली ट्रिक बताई थी उसमें से आप कलर रेड कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको ये PNG वाली बताई थी या फोटो वाली बताई थी उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मैं ये फोटो वाली मतलब कि बैकग्राउंड शर्ट को कलर कर लेता हूँ अपना जल्दी से। तो इतना करने के बाद हम बैकग्राउंड चेंज करवाना है, उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन पर डबल एक्सपोजर, फिर यहाँ से आपको गैलरी में सेलेक्ट करना, वो आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो आप इस पर लगाना चाहते हो। तो वो मैं फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना जल्दी से। ओके, तो गाइस फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने अपने फोटो के लिए ये वाला बैकग्राउंड चूज कर दिया है इसको लगाने के लिए। तो इसको लगाने के बाद यहाँ से आपको एक ड्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना है। फिर इसकी ब्राइटनेस आपको 100 कर देनी है, देन गाइस यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद फिर से क्रॉस तीर, व्यू एडिट्स के बाद डबल एक्सपोजर, फिर यहाँ से ब्रश उठा लेनी है। ब्रश उठाने के बाद आपको करना है कि सिंपली मतलब कि सेम टू सेम स्पीड में इस स्टेप में आपको इस तरह से बैकग्राउंड भी चेंज कर देने हैं, जिसके लिए मतलब कि जैसे हमने इसके टी शर्ट का कलर शर्ट का कलर चेंज कर लिया था, तो इस तरह से आपको कर देना है। तो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी जल्दी से कर लीजिएगा, आप आराम से कीजिएगा, मैं जल्दी से कर लेता हूँ अपना। ओके, तो गाइस अभी ना फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना है। और अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इसके हेयर तो आपने अभी तक नहीं करे, तो अगले स्टेप में हम वही करने वाले हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ से आपको पेंसिल के आइकन के बाद डबल एक्सपोजर के बाद गैलरी, और यहाँ से आपको मतलब मेरे पास एक PNG है वो इसमें हम ऐड करने वाले हैं। जी हाँ गाइस,
PNG ऐड करने वाले हेयर की, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना जल्दी से। ओके तो गाइस अभी फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने ये वाले अपने हेयर्स के लिए, इसके हेयर्स के लिए PNG सेलेक्ट कर दिए। तो आपको करना क्या कि इस तरह से आपको इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाकर वहां पर आपको सेट कर देनी है जहां पर भी आप इस PNG को लगा सकते हो। फिर आपको इसकी ब्राइटनेस आपको 100 कर देनी है और यहां से आपको राइट में क्लिक कर देना है। राइट में क्लिक करने के बाद ऊपर आपको क्रॉस तीर के बाद व्यू डिट्स के बाद यहाँ से डबल एक्सपोजर, फिर ब्रश उठा लेनी है। ब्रश उठाने के बाद साइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी 0 हो पड़ी है, तो इसको आपको साइज को 100 कर देना है। 100 करने के बाद अपने हेयर्स को इस तरह से जूम करके फिर आपको जो मैंने हेयर आपको लगाने के दिए, मैंने मतलब कि जो मैं अपने फोटो पर लगाने वाला हूँ उसको ऐड करने के लिए आपको इस तरह से थोड़ा बहुत मतलब ये करना पड़ेगा। फिर आपको साइज मतलब कि डिक्रीज करके यानी कि 0 करके फिर आपको इस तरह से जो ब्लैक आ चुका है तो उसको आपको मिटा देना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप भी इस पर PNG मतलब आप PNG डालने वाले तो आप डालोगे तो इसको मैं कर लेता हूँ अपना जल्दी। ओके तो गाइस अभी फिलहाल आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इसकी PNG ऐड कर ली है इसके हेयर्स पर। तो अगले स्टेप नहीं मतलब कि आपको कर देना क्या है कि आपको मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है तो इसके लिए रियली सॉरी। तो अगले स्टेप में यहाँ से आपको ये जो आप देख रहे हो ना, इसको आपको इस तरह से अपने हेयर्स पर कर देना है। जैसे कि आपके हेयर्स कट हैं या कट भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। तो इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक करना है। राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अभी फिलहाल आप देख ही सकते हो कि हमारा फोटो क्या ही एडिट हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।